आपने बड़ी दिलचस्प बात की, आपने कहा कि शायद वो साज आपको कबूल करता है या नहीं करता। तो मतलब साज किस तरह से कबूल करेगा या साज किस तरह से इनकार करेगा? ये कॉन्सेप्ट है सूफी म्यूजिक में। जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मसनवी में एक जगह लिखते हैं, खुश्क तारो खुश्क चूबो खुश्क पोस्त अज कुजामी औयदी आवाज दोस्त, साने साज अस्त अंदर चूबो पोस्त जी सबक में औयदी आवाज दोस्त। अब इसमें रूमी ये कहना चाह रहे हैं कि जो तार है, जो साज की लकड़ी है और जो उंगलियों की खाल है पोस्त, ये तो तीनों चीज़ें खुश्क हैं, फिर इसमें मेरे महबूब की सी आवाज़ तर आवाज़ क्यों कर आती है? और फिर दूसरे शेर में कहा कि साने सास जो मैन्युफैक्चरर है वो ख़ुद इन चीज़ों में मौजूद है। तो ये वजह है, यही सबब है कि इसमें से मुझे मेरे महबूब की सी आवाज़ आती है। सो फॉर द सूफ़ी म्यूजिशन, कोई सास जो है वो लकड़ी का हिस्सा नहीं है, वो तार की बनावट नहीं है, वो एक उस सास के वजूद को वो अपने वजूद जैसा एक जिंदा वजूद समझते हैं। दे टॉक टू देयर इंस्ट्रूमेंट और फिर इंस्ट्रूमेंट भी उनसे बात करता है। तो यस, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। क्या आपने तो डिसाइड कर लिया कि मैंने सितार बजाना है, सरंगी बजानी है, सरोद बजाना है? क्या सितार ने ये डिसाइड किया कि ठीक है इसको सितार नवाज बनना चाहिए? तो सितार डिसाइड ये तब करता है कि जब आप एक तरफ दुनिया को रखेंगी, एक तरफ सारी दुनिया होगी और दूसरी तरफ आपका सितार होगा, और आप चूज़ करेंगे कि मुझे अपने साज को, अपने मजमून को, अपने म्यूज़िक को प्रायोरिटी देनी है, मेरे लिए सबसे अफजल ये है। सो मुझे तो यूँ ही लगता है। मैं कहता हूँ कि आज हमें कबीर दास क्यों नहीं मिलता, आज हमें बुल्ले शाह क्यों नहीं दिखता, ऐसा क्या हो गया? सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है हम। बुल्ले शाह ने सेक्रीफाइस किया, उन्होंने वो जो अपना सैयद होने का वो जो फ़ख्र था वो साइड पे रखा। भगत कबीर थे तो उन्होंने फिर, वो भगत थे, दरवेश थे, सूफ़ी थे। भगत कबीर को किसी ने कहा कि तुम मर जाओगे, तुमने कोई किताब नहीं लिखी। तो कबीर ने क्या खूबसूरत जवाब दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैंने 10 लोग तैयार किए हैं। इससे बड़ी सेक्रीफाइस क्या होगी कि आपके ऊपर एक चीज़ की अता है लेकिन आपने अपनी ज़ात को उससे मतलब आप इस चक्कर में नहीं पड़े कि मुझे अकेले ही मशहूर होना है और जब मैं नहीं हूँ तो मुझे याद रखा जाए, आप इस चक्कर में नहीं पड़े, बल्कि आपने और 10 लोग आगे तैयार किए। तो अभी जो शायर हैं, स्पेशली जो फेसबुकी शायर है, डिजिटल शायर है, वो बेचारा ख़ुद मशहूर होना चाहता है, फ़नकार है वो भी ख़ुद मशहूर होना चाहता है, मजबूरी बन गई कि अगर आपका नाम नहीं है, अगर आप ट्रेंडिंग में नहीं है तो आप बड़े फनकार नहीं है, बड़े शायर नहीं है, अगर आपको एक स्टूडियो में नहीं है तो आप मौसीकार नहीं है। आपने कहा कि मिनिमम 8 साल आपको चाहिए होते हैं, 8-10 साल चाहिए होते हैं कि आपने सितार को देखना है, उसका उस्ताद बनना है जी, और भी किसी भी और इंस्ट्रूमेंट को ले लें तो मिनिमम इतना एक टाइम पीरियड आपको चाहिए होता है। तो जब आपने ज़िंदगी के 10 साल उस साज को आपने दिए और वो भी पूरा वक्फ किया आपने, ठीक है कि आपने इश्क किया उसके साथ, लेकिन उसके बाद आगे उन्हें उसमें कोई मुस्तकबिल नहीं दिखता, तुम वो क्यों देंगे? अब फाइन आर्ट्स को लेके मुस्तकबिल तो मुल्क में ही नहीं है। आपके जो बड़े जो इदारे हैं आर्ट्स पे, उनको शायद नहीं पता था कि सिंध में कौन सा म्यूजिशियन कहाँ बैठा हुआ, लेकिन आपको पता था। आप वहाँ गए, आपने मेहनत की, खोज का रास्ता था और अल्लाह ने आपको कामयाब किया और फिर पूरी दुनिया ने उस आपके काम को सराहा। सो इदारों ने ये काम क्यों नहीं किया? तो मुस्तकबिल को लेके तो हमारे यहाँ वो म्यूजिक का मुस्तकबिल नहीं है। इंटरेस्टेड ही नहीं थे वो, तो मुझे याद है कि जिस वक्त हम भी जाते थे तो वो कहते थे कि यार हमारे पास तो कोई कल्चर में फंड ही नहीं है। लोक विरसा कहता है हमारे पास कोई इस हवाले से कोई, हमारे पास कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई डिटेल्स नहीं है, आप खुद ही देखें। तो दैट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग ऑन वन एंड, के जहाँ पे स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसमें जो है वो कल्चर कहीं पे प्रायोरिटी है ही नहीं है, जो आर्ट्स जो है वो कहीं पे प्रायोरिटी है ही नहीं है, अगर है भी तो वो उस लिस्ट के बिल्कुल आखिरी हिस्से के अंदर है। मुल्क में आप इकोनॉमिकल सिचुएशन देखें, आप पावर्टी को देखें, आप एक्सट्रीमिज्म को देखें, आप इन्फ्लेशन को देखें, तो ये सारे मसलों के बाद तो वो आर्ट तो वाकई
बिल्कुल उन्होंने, लेकिन मेरा यहाँ पे नुकता थोड़ा सा मुख्तलिफ है जवाब भाई। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन है, एक्सट्रीमिज्म है, अब इन सब चीज़ों को हम क्योर कैसे करेंगे? इसका जो इलाज है वो तो फाइन आर्ट्स में ही है, तो इट्स अ गुड थिंग। अगर एक्सट्रीमिज्म है तो आपको एक क्लू मिल गया कि ठीक है, दिस इज़ द टाइम जब हमने कल्चर पे ज़्यादा फोकस करना है, हमने म्यूज़िक ज़्यादा करना है, हमने मुसव्वरी की बात करनी है, खताती पे बात करनी है, हमने रक्स पे बात करनी है, शायरी को आगे लेके आना है।